नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस मंच पर। आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए लेकर GS1 पेपर को। और GS1 में ज्योग्राफी का एक पार्ट है सेलियंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये मैंने स्टार्ट किया था आपके साथ और इसका पॉइंट नंबर 11 GS का, अगर आप सिलेबस देखेंगे और आपको सिलेबस रोज़ पढ़ना है ताकि आपको पॉइंट, हर पॉइंट आपको याद हो जाए कि सिलेबस में क्या है। तो सिलेबस में GS1 के पॉइंट 11 में जो पार्ट है वो है सेलियंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या हम देखेंगे, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ओशन करेंट्स, विंड्स एंड ग्लेशियर्स। भूकंप और सुनामी मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो ये दो पॉइंट्स जो हैं पहले के, अर्थक्वेक एंड सुनामी, वो फिनिश हो चुके हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है वॉल्केनिक एक्टिविटी, जिसको हिंदी में हम कहेंगे ज्वालामुखी गतिविधि। तो इस पार्ट में हम जानेंगे कि वॉल्केनो होता क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्केनो। दोस्तों, जो मेरा PPT है वो आपको इंग्लिश में दिया जा रहा है, बट जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आपको वो हिंदी में दे रही हूँ ताकि आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। मेरा मकसद आपको ये पॉइंट्स देकर समझाना है, आप उसको अपनी भाषा में लिखें वही बेहतर है, क्योंकि जब आप अपनी भाषा में लिखते हैं तो आप समझ के लिखते हैं और समझ के लिखेंगे तो वो सही होगा। तो आज हम वॉल्केनिक एक्टिविटी में पढ़ेंगे वॉल्केनो। सेकेंड, द ओरिजिन ऑफ वॉल्केनोस, कैसे स्टार्ट होता है वॉल्केनो वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, वॉल्केनो के कितने टाइप्स होते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में वॉल्केनो का विस्तार कहाँ है कहाँ नहीं है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर हम वॉल्केनो से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं जैसे गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स, हम उसकी बात करेंगे। और फिर वॉल्केनो और सोसाइटी, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन बेस्ड, तो वॉल्केनो और सोसाइटी का अंतर संबंध हम समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं वॉल्केनो क्या है। वॉल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच लावा, वॉल्केनिक ऐश एंड गैसेस एस्केप। यानी कि अर्थ क्रस्ट में, आपने पढ़ा होगा कि अर्थ को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो क्रस्ट जो है वो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहाँ से जब लावा बाहर आता है और वॉल्केनिक ऐश बाहर आता है और गैसेस जब वहाँ से निकलती हैं तो वह उसको कहते हैं हम वॉल्केनो, यानी ज्वालामुखी। ये जो है काफ़ी हद तक प्रेशर के द्वारा, प्रेशर किस तरह का प्रेशर, जो डिजॉल्व गैसेस का प्रेशर है उसके द्वारा ये इरप्शन होता है। जैसे जब हम पृथ्वी के अंदर देखें तो बहुत सारी गैसेस वहाँ पर होती हैं, तो उन गैसेस के प्रेशर से कुछ इरप्शंस होते हैं। वो इरप्शंस लावा के रूप में, वॉल्केनिक ऐश के रूप में और डिफरेंट गैसेस के रूप में होता है। तो वही है वॉल्केनिक इरप्शंस। As escaping gases force the cork out of the bottle of Pepsi. जैसे आप Pepsi की bottle को हिलाकर जब आप खोलते हैं तो उसमें से ऐसे eruption होता है, उसी तरह का volcano भी eruption होता है। तो अगर daily life activity में हम Pepsi या Coca-Cola की bottle को खोलते हैं तो ज्वालामुखी जैसा eruption उसमें से निकलता है। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो pressure है dissolved gases का, वो बाहर आने के लिए तत्पर होता है, उसी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन आता है। देन बीनीथ अ वॉल्केनो लिक्विड मैग्मा कंटेनिंग डिजॉल्व गैसेस राइजेस थ्रू क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट। अब जो अर्थ क्रस्ट में जो क्रैक्स होते हैं उससे ही वो लिक्विड मैग्मा, जो लावा हम बोल रहे हैं, जो लावा बाहर निकलता है उसको अंदर, जब वो पृथ्वी के अंदर होता है तो उसे मैग्मा कहते हैं। तो वो जब मैग्मा बाहर आता है तो उससे अर्थ का क्रस्ट जो है, क्रैक्स है उसमें, वहां से वो बाहर आता है। एज द मैग्मा राइजेस प्रेशर डिक्रीजेस अलाउइंग द गैसेस टू फॉर्म बबल्स। अब इसमें जो बबल्स बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं,
वो इसलिए बनते हैं कि जब मैग्मा ऊपर आता है तो जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से ही मैग्मा ऊपर आता है, और जब मैग्मा ऊपर आ जाता है तो वो प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कि वो गैसेस बबल के रूप में दिखाई देती हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये जो वॉलकैनो है उसका ओरिजिन कैसे होता है। आप ये दो पिक्चर्स देख रहे हैं सामने, दोनों में आपको आइडिया होगा कि कैसे वॉलकैनो का ओरिजिन होता है, कैसे वो विस्तार रूप में, कैसे स्टार्टिंग पॉइंट से स्टेप बाय स्टेप कैसे वॉलकैनो बाहर आता है। तो इस तरफ की आप पिक्चर जो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें है ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, यानी कि ओशियनिक बेल्ट है, एक तरफ ओशियनिक लेयर है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कॉन्टिनेंटल लेयर है। जब उन दोनों का, दोनों आपस में जब टकराएंगी तो कैसे वॉलकैनो इरप्ट होगा वो बताया गया है इसमें। अब देख रहे हैं जैसे ये इस तरफ वॉलकैनिक क्रस्ट है, दूसरी तरफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, नीचे आप देखेंगे लिथोस्फेयर है और उसके नीचे है एथनोस्फेयर। ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप लोग कर चुके हैं पहले भी, तो आई होप यू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स, कि आपको ये पता होना चाहिए कि एथनोस्फेयर है, फिर उसके ऊपर लिथोस्फेयर है। जब ये दोनों के ऊपर की जो क्रस्ट है, ये दोनों जब आपस में टकराते हैं तो यहाँ पर गैसेस का जो प्रभाव है वो ऊपर की तरफ जाता है, जिससे कि वॉल्केनो इरप्ट होता है और वॉल्केनो आर्क बनते हैं, जो वॉल्केनो की छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन जाती हैं, वॉल्केनो आर्क्स भी इससे बनते हैं। अब दूसरी तरफ जो पिक्चर है उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं एथनोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर तो आपकी पृथ्वी के ऊपर की लेयर है, जिस जो ऊपर का जो एरिया है जिसमें ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, तो ये ऊपर का एरिया हो गया। उसके नीचे लिथोस्फेयर है, जैसे यहाँ पर देखा था आपने लिथोस्फेयर, उसी तरह से यहाँ पर एथनोस्फेयर है। तो एथनोस्फेयर में मेंटल जो है वो पाया जाता है, एथनोस्फेयर लिथोस्फेयर दोनों में मेंटल जो है वो पार्शियल मेल्टिंग, सबसे अंदर वाला जो पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट लेयर में, वो पार्शियल मेल्टिंग है। यहाँ से मैग्मा का ओरिजिन होता है, और मैग्मा जब ओरिजिन होता है तो ऊपर की लेयर में थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ता है। फिर क्या होता है कि मैग्मा डिफरेंसिएशंस इन मैग्मा रिजर्वॉयर्स, यहाँ पर वो इकट्ठा होता है, इंट्रूजन स्टेग्नेशन क्रिस्टलाइजेशन इंट्रूजन अंडरप्लेटिंग, यानी कि यहाँ पर वो मैग्मा इकट्ठा होकर क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्रिस्टलाइज, ये क्रस्ट की दिशा में क्रिस्टलाइज हो रहा है, फिर वॉल्केनिक इरप्शन होता है। जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर, जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा मैग्मा, तो प्रेशर क्रिएट करेगा, और प्रेशर क्रिएट करने के कारण वो ऊपर की तरफ इरप्ट होगा, और इरप्ट होने से बाहर की तरफ जो निकलेगा वो लावा होगा। तो वॉल्केनिक गैसेस मिक्स द एटमोसफेयर, मिक्स विद द एटमोसफेयर, यानी कि यहाँ से जो गैसेस निकलेंगी वो आपके पूरे ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर में कहीं ना कहीं उसमें मिक्स होंगी वो गैसेस। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये आप अगर अपने एग्जाम में इसको बनाते हैं एक डायग्राम की तरह, आपको ये सारी चीज़ें एक तरफ लिखनी है और इन इन चीज़ों को पॉइंट्स में वहाँ पर देना है, और ये ज़्यादा ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी रहेगा, और ये बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम में ओरिजिन ऑफ वॉल्केनो को समझा सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है एथनोस्फेयर लिथोस्फेयर एटमोस्फेयर एंड हेयर मेंटल क्रस्ट ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। अब इसके हिंदी टर्म आप अपनी हिंदी की जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वॉल्केनो के टाइप्स क्या होते हैं। अगर हम सिंपली देखें तो वॉल्केनो के थ्री टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। जो एक्टिव वॉल्केनो है वो कॉन्स्टेंटली हमेशा लावा इजेक्ट करते हैं, गैसेस इजेक्ट करते हैं, एशेस इजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा ही एक्टिव हैं। दूसरी तरफ डोरमेंट जो है, जो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट भी नहीं हुए हैं और ना ही वो हमेशा इरप्ट होते हैं, वो ऐसे हैं जो बीच बीच में काफ़ी टाइम बाद सडनली वो इरप्ट हो जाते हैं, सडनली काफ़ी टाइम के गैप के बाद वो इरप्ट होते हैं, तो वो डोरमेंट वॉल्केनो कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए किलीमंजारो जो है तंजानिया में, वो डोरमेंट वॉल्केनो का
एक अच्छा एग्जाम्पल है जो आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वो वॉल्केनो है जो बहुत सालों से इरप्ट नहीं हुए हैं, यानी कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं, पूरी तरह से बंद हो गए हैं। इसका हम एग्जाम्पल अगर देखें तो एकांगुआ एंडीज पर्वत में है, जो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो भी एक तरह का वॉल्केनो है। तो ये सिंपली अगर आपका 3 नंबर में छोटा क्वेश्चन आए तो आप ये 3 टाइप्स लिख सकते हैं, पर अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन आए, बड़ा क्वेश्चन आए, तो 3 पॉइंट में आप अपना आंसर नहीं लिखेंगे। जब टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज आते हैं तो आप ये सब वॉल्केनो उसमें लिखेंगे। देख रहे हैं आप सामने वॉल्केनो टाइप्स, फिर उसके कैरेक्टर्स, फिर उसके एग्जाम्पल्स और डायग्राम के थ्रू उसको समझाया गया है। और डायग्राम से समझने के लिए नेक्स्ट वाला जो डायग्राम है वो भी आप उसके साथ कनेक्ट करके, जब मैं आपको इसकी PDF दूँ तो उसके साथ कनेक्ट करके ये वाला डायग्राम उसको कनेक्ट करके समझने की कोशिश करिए कि कौन सा वॉल्केनो में क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये हम देख लेते हैं। पहला है फ्लड और प्लेट्यू बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है वो लिक्विड होता है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक यही है, वेरी लिक्विड लावा फ्लोज वेरी वाइड स्प्रेड एमिटेड फ्रॉम फ्रैक्चर्स। तो बहुत सारे फ्रैक्चर्स होते हैं, वहाँ से एमिट होता है लिक्विड लावा, बहुत ज़्यादा लिक्विड लावा होता है, और कोलंबिया रिवर प्लेट्यू इसका एग्जाम्पल है। तो फ्लड और प्लेट्यू बेसाल्ट। बेसाल्ट हम जानते हैं कि बहुत जेंटली वो मूव होता है, लिक्विड होता है, इसीलिए ये इसका एग्जाम्पल, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो जो है लिक्विड लावा एमिटेड फ्रॉम अ सेंट्रल वेंट, एक सेंट्रल वेंट बनता है, सेंट्रल जगह बनती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ से लिक्विड लावा निकलता है। लार्ज, ये एक बड़ा वॉल्केनो माना जाता है शील्ड वॉल्केनो। समटाइम्स हैज अ कोलैप्स कालडेरा, यानी कि एकदम कोलैप्स हो जाता है और कालडेरा की तरह बनाता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं लार्ज माउंटेन, माउंटेन सिल्वानिया, हाईलैंड बोटे, हवाइयन वॉल्केनोज। तो हवाइयन वॉल्केनोज भी शील्ड वॉल्केनो का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंडर कोन। ये कोन की तरह बनता है इसलिए इसका नाम सिंडर कोन है। अब ये एक्सप्लोसिव लिक्विड लावा है, एक्सप्लोड करता है एकदम से, छोटा है, बहुत बड़ा वॉल्केनो नहीं है, पर एक्सप्लोड कर सकता है। फिर एमिटेड फ्रॉम अ सेंट्रल वेंट, इसका भी एक सेंट्रल वेंट होता है जिससे वो निकलता है। इफ़ कंटिन्यूड लॉन्ग इनफ में बिल्ड अप अ शील्ड वॉल्केनो, अगर ये काफ़ी टाइम तक, ये सिंडर कोन वॉल्केनो जब काफ़ी टाइम तक बना रहता है तो वो शील्ड वॉल्केनो में परिवर्तित हो सकता है, जिससे कि कालडेरा भी बन सकता है। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं माउंट टबोर, माउंट जियोन, चैम्बेरियन चैम्बेरलियन हिल, पायलट बुट्टे, लावा बुट्टे, क्रेटर्स ऑफ द मून। ये सब एग्जाम्पल हैं, आप इसमें से एक या दो एग्जाम्पल भी याद कर ले तो काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है कि सारे एग्जाम्पल आपको रटने हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि ये जो नाम है वो आप गूगल इमेजेस में सर्च कीजिए, ताकि आप उसको मैच कर सकें कि कौन सा वॉल्केनो हो सकता है। नेक्स्ट है कंपोजिट और स्ट्रेटो वॉल्केनो। कंपोजिट और स्ट्रेटो वॉल्केनो, ये मोर विशियस लावाज, मच एक्सप्लोसिव, बहुत बड़े स्तर पर एक्सप्लोड कर सकता है। डेबरीज लार्ज एमिटेड फ्रॉम अ सेंट्रल वेंट, ये भी सेंट्रल वेंट से निकलता है, इसमें जो है बहुत सारी डेबरीज इकट्ठा हो जाती है, मतलब मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स इसमें से निकलते हैं क्योंकि ये एक्सप्लोसिव होता है। अब इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं माउंट बेकर, माउंट रेनियर, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट हुड, माउंट शास्ता, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप एक या दो भी याद रखेंगे तो काफ़ी है। नेक्स्ट है वॉल्केनिक डोम। वॉल्केनिक डोम इज वेरी विशियस लावा, रिलेटिवली स्मॉल, छोटा है, कैन बी एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोड कर सकता है, कॉमनली अकर्स एडजसेंट टू क्रेटर्स ऑफ कंपोजिट वॉल्केनो, यानी जो कंपोजिट वॉल्केनो है उसके आसपास ये मिल सकता है, तो ये वॉल्केनिक डोम है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं
नोवा रूपता, माउंट सेंट हेलेंस लावा डोम, माउंट लासेन, शास्टीना, मोनोक्रेटर्स। तो ये है वॉल्केनो डोम। नेक्स्ट है कालडेरा, वेरी लार्ज कंपोजिट वॉल्केनो कोलैप्स्ड आफ्टर एन एक्सप्लोसिव पीरियड, यानी कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो स्थिति बन जाती है। कालडेरा लेक्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा जो अफ्रीका में है। फिर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद प्लग डोम्स, डिफरेंट डिफरेंट डोम्स से ये जुड़ी हुई होती है जैसे यहाँ दिखाया गया है। इसके एग्जाम्पल है क्रेटर लेक, न्यूबेरी, कीलाउआ, लॉन्ग वैली, मेडिसिन लेक एंड येलोस्टोन। तो ये जो आप नाम देख रहे हैं वॉल्केनिक टाइप्स के, ये इंक्रीजिंग वॉयलेंस, इंक्रीजिंग विस्कोसिटी, यानी कि यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वॉयलेंस इंक्रीज होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सप्लोजन नहीं था, आगे बढ़ते बढ़ते एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज है। जानते हैं कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, बट आप अगर नाम को ही याद कर लें, अगर आप नाम को ही वहाँ पर दे दें विद सम एग्जाम्पल, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे आप एक्टिव और एक्सटिंक्ट डोरमेंट, ये तीनों तो हैं ही जो बेसिकली हर जगह यूज़ किए जाते हैं, पर ये मैं आपके लिए इसलिए लेकर आई, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा स्टडी करें बिकॉज इस बार मेंस जो है वो लिखने वाला है और आपको लिखना ज़्यादा है उसमें। तो अगर आप, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसकी नहीं भी याद होती हैं, फिर भी आप नाम से उसको याद करने की कोशिश करें, उसको पिक्चर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम्स हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे कौन सा वॉल्केनो टाइप्स है, कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम। और ये वाला डायग्राम भी मैं इसलिए लेकर आई थी ताकि आप और अच्छे से इसको समझें, इसको देखें, एनालाइज करें और ख़ुद अपने शब्दों में लिखने के काबिलियत आप में विकसित हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ वॉल्केनोज ज़्यादा होते हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मैं सुनामी मैंने पढ़ाया था और जब भूकंप पढ़ाया था, तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ वो होते हैं। तो फायर ऑफ रिंग्स, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जिसे कहते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला, ये वाला एरिया आप देख रहे हैं रेड से पूरा मार्क्ड है। इसका मतलब वॉल्केनोज भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको ज़रूर मेंशन कीजिए कि यहाँ पर वॉल्केनो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फिर जहाँ जहाँ रेड मार्क आपको दिख रहा है वो सब जगह जो है ये वॉल्केनोज मिलते हैं, वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं ज़्यादातर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी यहाँ पर लेक्स भी हैं, तो यहाँ पर अफ्रीका में काफ़ी वॉल्केनो होते हैं। फिर ये पूरा एरिया यहाँ पर सारे वॉल्केनिक आर्क से बने हुए आइलैंड्स हैं, तो इंडोनेशिया, बाली, इस तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वॉल्केनोज हैं। तो आप इस मैप को स्टडी कीजिए, देखिए कहाँ कहाँ रेड मार्क्स हैं और वहाँ पर कौन कौन से आइलैंड हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि कहाँ कहाँ ज़्यादा वॉल्केनोज आते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हमेशा याद रखिए, उसके आसपास के आइलैंड जैसे जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है, न्यूजीलैंड, यहाँ पर वॉल्केनो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको जब आप वॉल्केनो पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये नज़र में आते हैं, और आपको समझना होगा कि ये जो टर्म्स हैं वो हैं क्या। गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग, बट गीजर एंड हॉट स्प्रिंग से पहले थोड़ा सा मैं वॉल्केनोज, मैंने आपको बोला कि आप मैप में स्टडी कीजिए और जानिए कहाँ ज़्यादा इरप्शंस होते हैं, पर कुछ इरप्शंस का नाम मैं लेना चाहूँगी। माउंट वेसुवियस जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं। फिर माउंट क्राकाटाऊ, ये आप नोट कर सकते हैं और आप सर्च कर सकते हैं ये कहाँ कहाँ मिलता है। जैसे क्राकाटाऊ मैं आपको बता रही थी इंडोनेशिया, तो ये सुंडा स्ट्रेट्स पे है, जावा और सुमात्रा के बीच में है माउंट क्राकाटाऊ। फिर आप माउंट पीली है, माउंट पीली भी वेस्ट इंडीज में है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इरप्शंस होते हैं।
इसके अलावा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मैंने आपको बताया ही, इसमें एलेशियन आइलैंड्स, फिर आपका चटका, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, साउथवर्ड्स ऑफ पैसिफिक आइलैंड ऑफ सोलोमन, न्यू हेब्राइड्स, टोंगा, नॉर्थ आइलैंड, न्यूजीलैंड, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। अब हम बात करते हैं जो मैं बोल रही थी आपको, गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। तो गीजर्स और हॉट स्प्रिंग के बारे में जानते हैं, आप फोटो देख सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटी से रिलेटेड ही टर्म्स हैं। दे रिजल्ट फ्रॉम द इंटरैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर विद मैग्मा और विद सॉलिडिफाइड बट स्टिल हॉट इग्नियस रॉक्स एट शेलो डेप्थ। यानी कि जब ग्राउंड वाटर और मैग्मा का आपस में इंटरैक्शन होता है तो जो जो इग्नियस रॉक है शेलो डेप्थ पर, वो सॉलिडिफाई हो जाती है और उसकी वजह से गीजर की तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर गीजर है और यहाँ पर हॉट स्प्रिंग है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का लोकेशन हो सकता है। तो गीजर्स जो है वो हॉट वाटर का फाउंटेन की तरह हम कह सकते हैं, जब फाउंटेन होता है, पर ये हॉट वाटर का फाउंटेन है और इसकी हाइट हो सकती है ऑलमोस्ट 150 फीट की फ्रॉम द अर्थ बीनीथ। अर्थ से 150 फीट की इसकी हाइट हो सकती है और ये थर्मल और वॉल्केनिक रीजन में पाया जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके बियॉन्ड भी हो सकता है। जेट ऑफ वाटर यूजुअली यहाँ से एमिट होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस यहाँ से रॉक को हीट करती है और बाहर निकलती है। तो जो आइलैंड्स जहाँ पर ये मिलता है गीजर, वो है आइसलैंड, रोटोरुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ आइलैंड, न्यूजीलैंड, और आप याद कर सकते हैं आइसलैंड, न्यूजीलैंड और येलोस्टोन पार्क ऑफ नॉर्थ अमेरिका। हम जानते हैं कि यूएसए में जो येलोस्टोन पार्क है वो स्पेशली फेमस है इस हॉट स्प्रिंग्स के लिए, सॉरी गीजर्स के लिए। हॉट स्प्रिंग्स भी इसी तरह से मोर कॉमन है, इसको थर्मल स्प्रिंग्स भी कहा जाता है क्योंकि ये भी पानी के अंदर से जब मैग्मा और ग्राउंड वाटर का इंटरेक्शन होता है तो वो बाहर आता है, पर उस तरह से बाहर नहीं आता है, ये एक तालाब की तरह स्टेबल फॉर्म में होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड नहीं होता है। ठीक है, इसमें एक्सप्लोजन नहीं होता है, जबकि हॉट स्प्रिंग में सॉरी गीजर में आपने देखा कि वो एक तरह से इरप्शन होता है, एक एक्सप्लोजन होता है और एक फाउंटेन की तरह वो बाहर निकलता है। इसमें एक्सप्लोजन नहीं होता, हॉट स्प्रिंग में एक्सप्लोजन नहीं होता, और इसमें कुछ कुछ डिजॉल्व मिनरल्स भी होते हैं हॉट स्प्रिंग में, विच मे बी यूज फॉर मेडिकल वैल्यू के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो आइसलैंड में भी काफ़ी हॉट स्प्रिंग्स हैं और डिफरेंट प्लेसेस जापान, हवाई में भी काफ़ी सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ आया होगा कि हॉट स्प्रिंग और गीजर में क्या फ़र्क है और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं और इसकी क्या वैल्यू है। अब वैल्यू से हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि डिफरेंट वॉल्केनोस का सोसाइटी से क्या अंतर संबंध है। अगर हम सोसाइटल वैल्यू और सोसाइटल कनेक्शन की बात करें तो वॉल्केनो से कैसे कनेक्टेड हैं। तो पहला तो डिस्ट्रक्शन ही है, हम सब जानते हैं वॉल्केनो जहाँ होता है वहाँ पर आबादी इतनी नहीं होती है, और जहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो होता है वहाँ से दूर दूर आबादी होती है। तो डिस्ट्रक्शन तो है ही एक पार्ट, पास में नहीं जा सकते हैं। उसके अलावा वैल्यूएबल मिनरल रिसोर्सेस, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, मिनरल रिसोर्सेस भी इससे प्राप्त होते हैं वॉल्केनो से, जब अंदर से लावा निकलता है तो मिनरल्स भी फॉर्म होते हैं जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बेरिलियम, आयरन, लेड, जिंक, ये सारे मिनरल रिसोर्सेस भी हमें वॉल्केनो से प्राप्त होते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए। इसके अलावा रिच वॉल्केनिक सॉयल भी मिलती है, थर्मो जियोथर्मल हीट, आपने सुना होगा जियोथर्मल की हम बात करते हैं, जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं, पावर पॉइंट की बात करते हैं, तो जियोथर्मल एनर्जी जो है वो वॉल्केनो से प्राप्त होती है, प्राप्त हो सकती है। फिर इंडस्ट्रियल मटेरियल भी कुछ प्राप्त होते हैं जैसे बिल्डिंग स्टोन्स, सल्फर, प्यूमिस, स्लेट, डाइक्स, ये सारी जो चीज़ें हैं
वो इंडस्ट्रियल मटेरियल के रूप में यूज होती हैं जो कि हमें वॉल्केनो इरप्शन से प्राप्त होती हैं। और है प्रीशियस स्टोन्स, बहुत प्रीशियस कीमती पत्थर भी हमें इससे प्राप्त होते हैं, डायमंड जेम्स ये भी हमें इससे प्राप्त होता है। फिर स्पेक्टेकुलर लैंडस्केप्स, आपने देखा होगा कि टूरिस्ट प्लेसेस भी बहुत होते हैं वॉल्केनो एरियाज में, मतलब जहाँ पर वॉल्केनो या तो डोरमेंट है या एक्सटिंक्ट है। जैसे हमारा जो हम अंडमान निकोबार की बात करें तो वहाँ पर भी एक वॉल्केनो है बैरन आइलैंड, वो भी टूरिस्ट प्लेस माना जाता है और वहाँ पर काफ़ी संख्या में टूरिस्ट उसको देखने जाते हैं। तो उसी तरह से बहुत सुंदर लैंडस्केप भी बनते हैं, आपको दिखाना चाहूँगी। ये एक सुंदर लैंडस्केप है जो कि उस जो वॉल्केनो एक्टिविटी है उससे कहीं ना कहीं डेवलप हुआ है, माउंट रिंजानी ऑन द इंडोनेशियन आइलैंड। एक दूसरी पिक्चर भी आपके सामने है, लंजेरेटो आइलैंड ब्लैक सैंड लेक, ये भी एक लैंडस्केप बना है ड्यू टू वॉल्केनो। तो इसी सुंदर लैंडस्केप के साथ मैं आपको छोड़ती हूँ। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि सब फिनिश हो गया, वॉल्केनो का चैप्टर फिनिश हो गया है। हमने देखा कि कैसे वॉल्केनो की डेफिनेशन होती है, फिर वो ओरिजिन को देखा हमने, समझा कि कैसे वॉल्केनो के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं। हमने गीजर और हॉट स्प्रिंग की बात की, फिर हमने वॉल्केनो को सोसाइटी के साथ कनेक्ट करके भी समझने की कोशिश की। आशा है आपको मेरा लेसन समझ आया होगा और आप इसको रिवाइज़ कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो इसी के साथ मैं आज के लिए आपसे विदा लेती हूँ, फिर से हाजिर होंगी नए चैप्टर के साथ, नए सीखने के पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी संख्या में सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट भी करते रहिए इसी तरह। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।